सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का एक बार फिर से आपकी हिंदी की कक्षा में स्वागत है। आज हम अपनी हिंदी की कक्षा में हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्वर आरोही में से एक पाठ पढ़ेंगे, पेज नंबर 39 और पाठ का नंबर है हमारे 22। पाठ 22, अच्छी आदतें। हमारे पाठ का नाम क्या है? अच्छी आदतें, पाठ 22। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। अच्छी आदत कौन कौन सी होती है? सुबह जल्दी उठना, समय पर नहाना, ब्रश करना, अपने बड़ों का आदर करना, सम्मान करना, है ना। इस तरह से ये होती है अच्छी आदतें। समय पर पढ़ाई करना, तो अपना सभी काम समय पर पूरा करना। तो आज हम पार्ट 22 में अच्छी आदतें, यहाँ पर हम दो बच्चों की बात कर रहे हैं। मुकुल एक अच्छा लड़का है। वह सूर्य निकलने से पहले उठ जाता है। अपने माता पिता के पैर छूकर वह अपनी बहन अन्ना को बड़े प्यार से जगाता है। अच्छा, हम यहाँ पर एक लड़के की बात कर रहे हैं। उस लड़के का नाम है मुकुल। वह क्या है? एक अच्छा लड़का है। कैसे है वह अच्छा लड़का? वह सूर्य निकलने से पहले ही उठ जाता है। मतलब जब सुबह सूरज निकलता है उसके पहले ही वो उठ जाता है, बहुत जल्दी उठ जाता है। अर्ली मॉर्निंग में ही वो उठ जाता है, और जब उठ जाता है तो उसके बाद वो अपने माता और पिता के पैर छूता है। ये देखिए, ये मुकुल का भाई अन्ना, ये भी अपने पिताजी और माताजी के पैर छू रहा है, उनका आशीर्वाद ले रहा है ना। अन्ना को बड़े प्यार से जगाता है। वह पैर छूकर वह अपनी बहन, उसकी जो छोटी बहन है अन्ना, उसे भी वो बहुत प्यार करता है, फिर उसे वो प्यार से उठाता है। दोनों भाई बहन शौच के बाद अपने हाथों को साबुन से अच्छी प्रकार धोते हैं। शौच के बाद मीन्स जब वो फ्रेश होने जाते हैं, पॉटी करने जाते हैं, उसके बाद वो अपने हैंड्स, जो हाथ होते हैं, उनको बहुत अच्छे से साबुन से धोते हैं। अच्छा, हमें बार बार हैंड वॉश करना चाहिए। अगर हम कुछ काम करते हैं, या धूल मिट्टी में खेल रहे हैं, या आपने कुछ काम किया है, या बाहर से आए हैं, कहीं बाहर गए थे और फिर वापस आए, तो अपने हाथ पैरों को अच्छे से धोना भी हमें चाहिए। या हम शौच करने जाते हैं, टॉयलेट जाते हैं, तो हमें अपने हैंड वॉश अच्छे से करना चाहिए, जैसे मुकुल और अन्ना दोनों करते हैं। इसके बाद दोनों खूब मल मल कर नहाते। कैसे नहाते हैं वो? अच्छे से, जो अपनी बॉडी होती है उसको अच्छे से मल मल कर नहाते हैं वो। तो हमें रोज नहाना भी चाहिए और अपने शरीर को अच्छे से मल मल कर रगड़ कर और अच्छे से नहाना चाहिए। और नहाने के बाद फिर तौलिए से शरीर साफ करके साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं, और फिर क्या करते हैं वो, तौलिए से अपने शरीर को पूरा ड्राई करते हैं, सुखा लेते हैं, है ना। जब वो अच्छे से मल मल कर नहाते हैं और नहाने के बाद में तौलिए से अपने शरीर को साफ करके सुखा लेते हैं ना, पोंछ लेते हैं जो भी पानी होता है, और उसे सुखा लेते हैं। और उसके बाद में कपड़े भी अच्छे, कैसे पहनते हैं कपड़े? साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं। ऐसे नहीं है कि जो आज खोले वही कपड़े फिर से पहन लेते हैं। वो अच्छे से साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं, और जो धुले हुए कपड़े होते हैं उन्हें ही वो पहनते हैं। फिर क्या करते हैं वो, शीशे के सामने खड़े होकर दोनों अपने आप कंघी कर लेते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि मम्मी उनके पीछे दौड़ लगाती है कि चलो कंघी करो, चलो ऑयलिंग करो, तेल डलवाओ, कंघी करो। वो दोनों नहाने के बाद अपने शरीर को साफ करते हैं, तौलिए से पोंछते हैं, फिर साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं, और कपड़े पहनने के बाद शीशे के सामने, मीन्स जो कांच होता है, मिरर होता है, उसके सामने खड़े होकर दोनों अपने आप कंघी कर लेते हैं। अपने आप दोनों क्या करते हैं, दोनों भाई बहन अच्छे से ऑयल लगाते हैं सर में और फिर कंघी कर लेते हैं। वे अपने जूतों पर भी अपने आप पॉलिश करते हैं। अच्छा, वो जो शूज पहनते हैं ना स्कूल के, उन पर वो दोनों अपने आप ही पॉलिश करते हैं, फिर साबुन से हाथ मुंह धोकर नाश्ता करते हैं, और फिर उसके बाद में फिर जब वो जूते पे पॉलिश वगैरह करते हैं तो हाथ, फिर मैंने क्या बताया कि अपने हैंड बार बार वॉश करना चाहिए, हाथों को बार बार धोना चाहिए। हम कुछ काम करते हैं तो उसके बाद फिर से हमें हमारे हैंड वॉश करना चाहिए,
और पैरों को भी धोना चाहिए। फिर साबुन से हाथ मुंह धोकर नाश्ता करते हैं, फिर वो जूते पे शू पॉलिश वगैरह करते हैं, ऑयल करते हैं, सर में कंघी करते हैं, तो हाथ गंदे हो जाते हैं ना, तो फिर से वो साबुन लगाकर अपने हाथों को अच्छे से धोते हैं, फिर उसके बाद वो क्या करते हैं, नाश्ता करते हैं। इसके बाद दोनों अपना अपना स्कूल बैग लेकर स्कूल चले जाते हैं। फिर जब वो नाश्ता कर लेते हैं उसके बाद वो दोनों अपना अपना स्कूल का बैग लेते हैं और स्कूल चले जाते हैं। मुकुल और अन्ना अपने अध्यापकों का कहना मानते हैं। जो मुकुल और अन्ना होते हैं वो अपने जो टीचर्स होते हैं उनके जो टीचर्स हैं उनका भी वो कहना मानते हैं, उनकी बातें मानते हैं, वो जो कहते हैं उसी तरह से वो दोनों ये दोनों भाई बहन पढ़ाई करते हैं और अच्छा काम करते हैं और अच्छे बच्चे बनते हैं। अच्छा चलिए अब यहाँ पर दिया है योग्यता परीक्षण, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर हमें ये प्रश्न दिए हुए हैं इनके उत्तर हमें देना है। देखिए मैंने पहले ही यहाँ पर लिख दिए हैं, तो चलिए हम लोग पहले अपना प्रश्न पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, मुकुल सवेरे जल्दी उठता है या देर से उठता है, बताइए मुकुल सवेरे जल्दी उठता है या देर से मुकुल। तो इसका उत्तर आएगा मुकुल सवेरे जल्दी उठता है। मुकुल कब उठता है, सवेरे जल्दी उठता है ना, तो वो पूछे मुकुल सवेरे जल्दी उठता है या देर से, तो मुकुल सवेरे जल्दी उठता है। प्रश्न नंबर दो है हमारा, मुकुल और अन्ना कैसे नहाते, कैसे नहाते हैं दोनों। मुकुल और अन्ना खूब मल मल कर नहाते हैं, कैसे नहाते हैं, खूब मल मल कर नहाते हैं। चलिए प्रश्न नंबर तीन है हमारा, मुकुल और अन्ना कंघी किससे करवाते हैं। हमने ऊपर पढ़ा था मुकुल और अन्ना किससे कंघी करवाते हैं, वे अपने आप ही कंघी करते हैं। मुकुल और अन्ना अपने आप कंघी करते हैं, है ना, उन्हें किसी से करवाने की जरूरत नहीं पड़ती है, वे खुद ही अपनी कंघी अपने आप करते हैं। प्रश्न नंबर चार है, आप कैसे बनना चाहते हो, तो हमारा उत्तर है हम अच्छे बच्चे बनना चाहते हैं। कैसे बच्चे बनना चाहते हो, अच्छे बच्चे बनना चाहते हो ना, जिसे मुकुल और अन्ना है उन्हीं की तरह आप भी अच्छे बच्चे बनना चाहते हो ना, वेरी गुड। तो हमारा प्रश्न नंबर चार है, आप कैसे बनना चाहते हो, हम अच्छे बच्चे बनना चाहते हैं। सुबह समय पर जल्दी उठना है, शौच करने के बाद अपने हाथों को अच्छे से साबुन से साफ करना है, ब्रश करना है, नहाना है, खूब मल मल कर नहाना है, तौलिए से अपने शरीर को साफ सुथरा रखना है, बड़ों का आदर करना है, उनका सम्मान करना है, उनका कहना मानना है और छोटे भाई बहनों को प्यार करना है और अपने जो शिक्षक है उनका भी अध्यापकों का भी कहना मानना है, अच्छे से खाना खाना है। तो यही जो होते हैं वो अच्छे बच्चे होते हैं। तो चलिए बच्चों आप लोगों ने इस पाठ को ध्यान से सुना, अब हम अपनी अगली कक्षा में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। और आप लोग एक बार फिर से इस पाठ को आप स्वयं भी पढ़ेंगे, देखिए मैंने पढ़ के सुनाया उससे काम नहीं चलेगा, आपको खुद को भी पढ़ना पड़ेगा। आप खुद जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक आपको पढ़ना कैसे आएगा, है ना, ऐसा नहीं है वीडियो देखी और बस हो गया, नहीं, आपको इस पाठ को पूरा पढ़ना है, अपने आप से पढ़ना है। आप खुद बैठें और एक एक अक्षर को मिला मिला कर पढ़ते जाएं, आप जब धीरे धीरे प्रयास करेंगे तो आप बहुत अच्छे से पढ़ने लग जाएंगे। तो चलिए ये रहे आपके प्रश्न और इनके उत्तर, मैं आपको पिक भी सेंड करूंगी, आप लोग चाहें तो इस तरह से वीडियो को पॉज कर लें और लिख सकते हैं। ये देखिए मैं आपको जूम करके और बता देती हूँ, ये देखिए मुकुल सवेरे जल्दी उठता है, मुकुल और अन्ना खूब मल मल कर नहाते हैं, मुकुल और अन्ना अपने आप कंघी करते हैं, हम अच्छे बच्चे बनना चाहते हैं। जिन बच्चों के पास में बुक पाठ्य पुस्तक नहीं है वो इन प्रश्नों के उत्तर को अपनी कॉपी में लिखेंगे, और जिन बच्चों के पास में पाठ्य पुस्तक है वो इधर अपने इन प्रश्नों के उत्तर को लिख लेंगे। अच्छा, और मैं इनकी इस पाठ की पिक भी दूंगी, आप लोग मोबाइल में से, जिनके पास में पाठ्य पुस्तक नहीं है वो मोबाइल में से देख के इस पाठ को पढ़ेंगे। तो ठीक है बच्चों, अब हम अपनी अगली कक्षा में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।